तो आज हम बनाएंगे बिहार की फेमस रेसिपी जिसे प्रसाद के रूप में छठ पूजा के लिए बनाया जाता है और जिसे ठेकुआ कहा जाता है। मैं इसे बिना मोल्ड के बनाऊंगी। आपके पास अगर मोल्ड है तो बहुत इजीली आप इसे बना सकते हैं और बिना मोल्ड के भी आप इसे बना सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक ठेकुआ तोड़ के दिखाती हूँ, आपको उसके साउंड से ही समझ आएगा कि ये कितना खस्ता बना हुआ है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक बोल ले लिया और इसमें हम 1 कप गेहूं का आटा ले लेंगे और यहाँ पे मैंने 1/2 कप मैदा ले लिया। आप चाहे तो मैदा स्किप करके पूरा गेहूं का आटा ही ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 1/2 कप सूजी ले लिया है और 1/2 कप नारियल का बुरादा। यहाँ पे मैंने सूजी इसलिए ऐड किया है क्योंकि ठेकुआ के लिए गेहूं जो दरदरा पिसवाया जाता है और यहाँ पे मैंने गेहूं का आटा लिया है, तो उसे दरदरा करने के लिए यहाँ पे मैंने सूजी डाला हुआ है। मैंने इसमें 1/2 कप मिल्क पाउडर डाला है जिससे इसमें बहुत ही अच्छा मावा का टेस्ट आएगा। और अब हम इसमें 1/2 कप घी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। आप देख सकते हैं इसकी बाइंडिंग इस तरीके से होनी चाहिए जिससे ये बहुत ही खस्ता बन के तैयार होगा। और यहाँ पे मैंने 1/2 कप शुगर ले लिया है। शुगर आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब शुगर भी अच्छे से मिक्स हो चुका है और अब हम इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे हम, क्योंकि जितना हम एक बार में डीप फ्राई कर सके उतना ही हम डो तैयार करेंगे। तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका डो तैयार करेंगे जिससे ये एक राउंड शेप में आ जाए, उस तरीके से हम डो को बनाएंगे। तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे तैयार करेंगे। हम इसे 4 पार्ट में इसलिए डिवाइड करके बना रहे हैं क्योंकि अगर हम एक साथ पूरा आटा को गूंद लेंगे तो वो जो शुगर है वो मेल्ट होते जाएगा और जो ऑयल हमारा ख़राब हो जाएगा जब हम उसे डीप फ्राई करेंगे। तो इसलिए हम उतना ही डो तैयार करेंगे जितना हम एक बार में उसे फ्राई कर सकें। तो इस तरीके से हम इसको लड्डू बना के पहले रख लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बॉल को ले लिया है और अब हम इसे इस तरीके से प्रेस करते हुए इसे इस तरीके से तैयार कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने ये स्पून ले लिया है और अब हम इसमें इसे इस तरीके से प्रेस करेंगे और इसे एक बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बन के तैयार हो गया। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल गुड्डे बिस्किट की तरह लग रहा है। तो इस तरीके से हम ठेकुआ को बनाते जाएंगे। आप देख सकते हैं इसका डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अब मैंने यहाँ पे एक फोर्क ले लिया है और हम इसे चारों तरफ से इस तरीके से प्रेस करते हुए एक और डिज़ाइन तैयार कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने ये स्पून ले लिया है और अब हम इस स्पून से इस तरीके से डिज़ाइन बना लेंगे। तो इस तरीके से आप बिना मोल्ड के भी ठेकुआ बना सकते हैं। और यहाँ पे मैंने एक तरफ ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था और अब हम इसे लो फ्लेम पे 7 से 8 मिनट के लिए पलटते हुए हम इसे डीप फ्राई कर लेंगे। और अब हम इसे इस तरीके से दोनों साइड से पलटते हुए इसे फ्राई कर लेंगे। हम इसे एक साइड आप नहीं छोड़ेंगे क्योंकि एक साथ ज़्यादा कलर आ जाएगा, तो एक बराबर कलर लाने के लिए हमें इसे बार बार पलटते हुए इसे फ्राई करना है। और अब आप देख सकते हैं इसका बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है और अब हम इसे निकाल लेंगे। और अब आप देख सकते हैं ऑयल में चीनी रह गया है, तो हम इसे स्पून की हेल्प से इस तरीके से चीनी को निकालेंगे जिससे हमारा ऑयल ख़राब ना हो। और अब हम बचे हुए ठेकुआ को भी तैयार कर लेंगे। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं शुगर भी इसमें एकदम बहुत ही अच्छा लग रहा है, एकदम दानेदार, और ये खाने में भी बहुत ही खस्ता है। तो एक बार आप इस तरीके से भी ठेकुआ बना के देखिए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।